हाल ही में अखिलेश यादव ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपने एक ऐसे दुखदायी अनुभव का जिक्र किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। पॉडकास्ट इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे दर्द वाला पल कौन सा रहा, तो उन्होंने बताया, जब मैं सीएम आवास खाली कर रहा था वो पल मेरे लिए सबसे दर्द वाला रहा। मेरे आवास खाली करने के बाद उसको गंगा जल से धोया गया। मुझे दुख इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपके जाने के बाद गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया गया। दूसरी घटना कन्नौज की है, जहां पर मंदिर को भी गंगा जल से धोया गया। इन बातों के बीच अचानक अखिलेश यादव एक आईएएस अधिकारी पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने सीएम आवास खाली किया तो बीजेपी ने क्या क्या कहानी बनाई। एक आईएएस अफसर का बिना नाम लिए अखिलेश उस पर भड़के और फिर कहा, उस अफसर को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने घर खाली किया तो क्या क्या सामान ले गया, ये एक प्रतिष्ठित अखबार ने हेडलाइन बनाई थी। वो आईएएस अफसर कौन था जिसके कहने पर सभी पत्रकार उनके आवास खाली करने के बाद पहुंचे थे। अखबारों में हेडलाइन बनी थी कि इटालियन टोटियां गायब हो गई हैं। कई उद्योगपतियों ने ये तक कह दिया था कि मैंने दीवार में सोना छिपा रखा था, इसलिए दीवारें खोदी गई थी। ये बातें केवल अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर तक कही गई थी। मैं भाजपा को हमेशा याद रखूंगा और उस आईएएस अफसर को भी कभी नहीं भूल सकता। अगर वो सुन रहा हो तो ये जानता होगा कि किसके बारे में बोला जा रहा है। जब तक राजनीति में हूँ उनको कभी नहीं भूलूंगा। जब समय बदलता है तो सजा जरूर मिलती है। मैं जानता हूँ कि वो आईएएस कौन था जिसके कहने पर सुबह 8:30 बजे पत्रकार सीएम आवास पहुंचे थे। अधिकारी आज आपके हैं, कल हमारे होंगे। आपको बता दें कि आखिर ये टोटी चोरी का पूरा मामला क्या है। बात 2018 की है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बंगला खाली कराने का आदेश दिया गया था। अखिलेश यादव को भी लखनऊ स्थित 4 विक्रमादित्य मार्ग की कोठी खाली करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखिलेश के घर खाली करने के बाद उस आवास के अंदर काफी तोड़फोड़ मिली थी। स्विमिंग पूल से लेकर कमरे की टाइल्स तक टूटी हुई थी। घर के अंदर से टोटियां भी गायब थी। इसको लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें लिखी गई थी। अखिलेश ने मीडिया में ये बातें उजागर करने का आरोप आईएएस अफसर मृत्युंजय नारायण पर लगाया था। तो वहीं अखिलेश यादव ने आवास से कुछ भी लेने से साफ इनकार किया था। और अब अखिलेश यादव ने उन घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी और उस आईएएस अधिकारी पर तंज कसा और उसे याद दिलाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।